मेरे को उड़ते हुए लहसे आ रही। मेरे को पहले मेरी क्या जुपिटर है ना पुरानी वाली, उसको थोड़ा सही करना है। उसमें ब्रेक भी नहीं है, हॉर्न भी नहीं है, उसको पहले सही करना है, थोड़ा धोना है उसको, फिर तो उसके बाद रूम जमाना है मेरे को। पूरा फैला हुआ हो रहा रूम, नहीं दिखाओ मत, क्यों नहीं मत दिखाओ, दिखाओ? दिखाओ मत, और जमावा दिखाना। मतलब कपड़े नहीं मिलते रूम में, पूरा ऐसे अस्त व्यस्त हो रहा है। कपड़े मिलेंगे जैसे पुराने पुराने कपड़े रख रखे हैं, मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे तुमको तुम्हारे लिए। एक के ऊपर एक कपड़े, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो पूरा कमरा जमाना पड़ेगा। पहले मैं जुपिटर से करूँगा, और आज एसी वाले को बुलाऊंगा, एसी भी लगाएंगे आज। जुपिटर से करेंगे, एसी लगाएंगे, और पूरा रूम सही सही करेंगे आज। ठंडी हवा खाएंगे सेठ जी, तुम्हें भी आएगी? मैं तो खा लूंगी, मेरे को तो बिना वाके भी चलता है। ओ देखो हाँ, मुझे अरे कोई बताओ, दिक्कत करो नहीं। पंखा चला के सो रहा चार पे, और कंबल ओढ़ के सो रही, नहीं बताओ। मुझे देखो पंखा कितना ही तेज चले, अरे जा कंबल जा, चाहिए। हाँ अरे जा जा अरे जा, जा। जुपिटर कर दे सही। ये देखो ब्रेक, देखो इसके पूरे ब्रेक लग गए, अड़ गया पूरा। ये वाला भी ऐसे हो रहा, देखो पूरा अड़ गया। और हॉर्न देखना भी, इसको पूरे को सही करेंगे, परमानेंट इलाज करेंगे इसका। डेली डेली का नाटक है इसका। चलो, जितनी भी स्कूटी होती है ना, चाहे वो एक्टिवा हो चाहे जुपिटर हो, उनमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये जो ब्रेक होता है इनका, इसको टाइट करेंगे तो ब्रेक ऑटोमेटिक टाइट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अपन इसको टाइट करते हैं ना, तो साथ में ये भी घूमती रहती है। तो ये टाइट हो जाएगी, अपन ब्रेक दबाएंगे तो वापस घूम के स्लिप होके अपनी पुरानी जगह पर आ जाती है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है इसका, इसको टाइट करने का, आप प्लास से इसको यूँ पकड़ लो और उसको पानी से घुमा दो, तो अपने आप टाइट हो जाएगी। अभी देखो आपको दिख रहा होगा ना, इधर से मिट्टी लग रही है, यहाँ पर अटक गई थी। फिर मैंने इसको प्लास से पकड़ के अंदर करा, जब अंदर गई है वरना अंदर जा ही नहीं रही थी। तो ये इसका तरीका है। अब देखो इसका ब्रेक कैसे होगा। अब देखो ब्रेक है ना, आगे का देखो। अब इसमें ब्रेक आगे बढ़िया। अब इसके हॉर्न से करते हैं उसका। अब हॉर्न खोलने के लिए दो बोल्ट ही खोलने पड़ेंगे। क्या कर रही है? क्या कर रही है? अलमारी खाली कर रही हूँ। क्या है, छोटी अलमारी गलत ले ली मैंने, मैं तो भूल ही गई थी मेरा सामान ज्यादा है, और इनको दूंगी छोटी, मैं दूंगी बड़ी। हाँ हमारी भी छोटी बढ़ गई। हाँ चलो करो काम, करो काम, इधर मत देखो ज्यादा। एक और नई गाड़ी लाने का, बेच के लाऊंगा नई गाड़ी। क्या पता जुपिटर से मन मर गया, वो तेरे लिए है तो वो वाली नई वाली। हाँ ये जो बोला जा रहा है ना इनके द्वारा, ये बहुत झूठ है। तेरे लिए है, जब तक मैं पार्ट्स नहीं लगा लेता तब तक मेरे लिए है ही नहीं। अभी तो मैंने के गार्ड नहीं लगा साइड पर, मैं उसको बिना दे नहीं सकता। अभी गिल बोला जा रहा पूरी गाड़ी घूम सकता है, स्क्रैच पड़ गया। मुझे भी 8 साल हो गए, 8 नहीं 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए यार, इतना एक्सपीरियंस तो है, पर इस बंदे को मेरे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। किसी आदमी को नहीं हो रहा तो भरोसा होता है, करना चाहिए ऐसे। ये बातों से कुछ नहीं होता, विश्वास करना चाहिए। देंगे कल परसों देंगे, ऐसे नहीं लगवा लो उसमें। कब? कल और परसों फिक्स करके बताओ, कल या परसों? 4 दिन बाद। अब तो कल परसों 24 तारीख को खाटू श्याम जी चलेंगे, उसके बाद 25 तारीख, फिर 26 को बाहर चलेंगे। बाहर मैं ही लेके चलूंगी, एक्टिवा से चलेंगे। एक्टिवा चलेंगे नहीं, अपन एक्सयूवी चलेंगे, एक्सयूवी से चलेंगे। हाईवे पे चलवा देंगे तुमसे एक्सयूवी थोड़ी सी, बोल चलाएगी। ये वीडियो में बोल रहे हैं ये बात कि हाईवे पे चलवाएंगे, तो इस चीज़ का सबूत मैं आप लोगों को भी दूंगी कि सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। देखो हम मूटा दिखा रहे हैं, अब तुम खुद ही देख लो आप सब लोग। नहीं चलवाएंगे, 100 चलवाएंगे पक्का पक्का, 100% 100% 100 पिंकी का नाम नहीं ले लेगा। देखो इतनी सारी मैंने पूरी अलमारी खाली करी, जिससे गर्म कपड़े हैं पूरी खाली कर दी। देखो कैसे भर गया मेरे कपड़े, कपड़े इतने सारे हैं मेरे, लेकिन पहनने की कोशिश नहीं है।
और ये देखो तो सारे कपड़े पड़े, नहीं नहीं अब फेंकेंगे सारे, फालतू तो कपड़े पड़े, वो सारे कोई पहने नहीं जिंदगी में, इतनी सारी जींस पड़ी है आज तक जिंदगी में नहीं पहनी, मैंने देखी नहीं मैंने में कोई पड़ी हुई जींस यार। ये कपड़े अलमारी में रहे हमारी, सोचो मुझे कितना अभी सारे हटाएंगे, वो शर्ट वर्ट देखो कैसे पड़े सारे साल में, देखो कैसे पड़े, ये देखो ये साल में पड़े सब बिखरे हुए हैं, लेकिन इनको ढंग से सेट करेंगे एक बार। ये वाली अलमारी मैं ले लेता हूँ, दो तीन रह की मिलेंगे पूरे तो मिलेंगे नहीं, और ये पायल को दे देते हैं अपन। कपड़े जमा रहे थे तो पुराने कपड़े ट्राई करके तो देखने थे कि भाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो अब देखिए पुराने कपड़े पहन के देखे हमारे सेठ जी ने, देखिए अब के कैसे लग रहे हैं आप ही बताना, रिव्यूज इन कमेंट्स प्लीज। नीचे वो लाल पीले जूते तो डालो, हरी जी ब्लू जीन्स और लाल पीले जूते, छपड़ी जीन्स मैंने पहली बार पहनी है लाइफ में, मैं पढ़ी है सिर्फ नई की नहीं पढ़ी, बिल्कुल टैग भी लगे हुए, लेकिन लाइफ में पहली बार मैंने पहनी है। अब देखो और इनका ये दावा है कि इनको जीन्स बहुत पसंद है, कहाँ से किस शक्ल से पसंद है, पसंद नहीं है मेरे को, मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये तो मेरी खराब हो गई, मतलब नहीं ये बिल्कुल ब्रांडेड पड़ी नई की नहीं, मतलब नहीं है ये खराब हो गई, ये नए की नहीं पड़ी है। देखो हम इतने रईस है कि नए नए कपड़े हम फेंक रहे हैं आज, रईस ही बने की हद है हमारी। अभी तो रुको साड़ी भी फेंकी वो, नहीं नहीं साड़ियां तो अभी आई है यार, उनको बेचारे को एक महीना नहीं हुआ है अलमारी में, उनको कैसे फेंक सकते हैं। दूसरी किसी को करनी लाइक, अब ठीक लग रही है अभी, अब देखना कमाल, अब देखो कितनी छोटी पैंट है यार, ऐसे बहुत से कपड़े हैं इनके पास जो सिर्फ इन्होंने पहली बार देखे हैं आज, फिर भी कहते हैं मेरी यादें हैं पहली बार। अब पहली बार देखे हैं कपड़े, हाँ बहुत सारे कपड़े में देखे, ये कौन से है, ये कौन सा है, पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार पहनना, वो छोटे निकल रहे। ये वाला शर्ट जो है वो तीन बंडल शर्ट निकले, दिखाना है नीचे, देखो एक ये पहनने वाला, ये पहनने वाला, ये नहीं पहनने वाला, ये डाउटफुल है सारे, सारे डाउटफुल है सारे, अभी सब पहन पहन चेक करूँगा मैं। अब ये शर्ट अच्छा लग रहा है लेकिन टाइट है, मेरी तरफ से तो नो है, मेरी तरफ से हाँ है, नो चलेगी तो मेरी, नो प्लीज कमेंट्स में बताओ यस और नो, रियली फिर भी इसको यस कर रहे हैं, प्लीज रुपेश नो नो। ये देखो आज इनके स्कूल के कपड़े निकले हैं, स्कूल के कपड़े निकले हैं, ना तो फिट आ रहे हैं, ना तो टाइट आ रहे हैं, ना लूज आ रहे हैं, क्योंकि फिट आ रहे हैं, पैंट भी फिट आ रही है, बेल्ट भी सही आ रही है। चले स्कूल चले, बाय। पहले ब्लू हाउस में था, मनु पब्लिक में पढ़ता था ना, तब मैं ग्रीन हाउस में था, मैं येलो में थी, फिर विद्याश्रम में जब मैं गया जब ब्लू हाउस में था, हम तीनों ब्लू हाउस में थे, मैं जिशान और कुशाल, लग रहा है स्कूल वाला बच्चा, मेरा लग रहा है दाढ़ी मूंछ, नहीं आजकल तो बच्चों की आ जाती दाढ़ी मूंछ, बिगड़े हुए बच्चे लग रहे हो स्कूल की ड्रेस। अभी देखो अभी बजन छः, अभी तक एसी नहीं लगा, दो टुकड़े हो गए इसी, लेकिन एसी नहीं लगा अभी तक, अब भैया लगा रहे हैं इसको एसी, तैयारी हो रही, देखो एसी की सब बैठे इंतजार में, कितनी देर लगेगी भैया अभी एसी में, कितनी देर लगेगी अभी, बस आधा घंटा, चलो एसी तो लगानी, उसमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, अल्लाह में लग रही थी भूख, तो देखो हमने क्या मंगवाया है, हाँ मज़े हो रहे हैं अभी तो, देखो पिज्ज़ा गार्लिक ब्रेड, अभी तो कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है, तो दो घंटे हो गए तो ऐसे लगाते हुए, चार बजे चालू करा था, सात बजने वाला, तीन घंटे हो जाएंगे सब, अभी भी नहीं लगा, ना कनेक्शन ना पाइप हुआ कुछ नहीं हुआ, तो पेट में लगा था, शादी में जाके करेंगे। एसी चल गया भाई, इसने चला दिया एसी चिंटू ने।
हवा आ गई तेज। अब बढ़िया हो गया भाई, एसी अच्छी तरह लग गया, लेकिन अभी मिट्टी मिट्टी हो रही, कल सुबह साफ करेंगे इसको। और अभी कमरा भी ढंग से सेट नहीं, अभी बेड में सामान वामान जमाना है, खाली अलमारी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ पता क्या हुई कि हमारी अलमारी पूरी जम गई, उसके बाद में एसी वाला है, क्योंकि अगर हमारे सारे कपड़े बाहर फैले हुए होते ना तो सारे कपड़े गंदे हो जाते एसी की मिट्टी से। ये सब चीज़ बढ़िया हो गई। अब कल सुबह उठ के एक बार इनको हटाना पड़ेगा, गुब्बारों को। ये देखो टेप ही टेप चिपक रही पूरी दीवार उस पर, छत पे टेप ही टेप चिपक रही, सारे टेप हटानी पड़ेगी, गुब्बारे हटाने पड़ेंगे। उसके बाद सारे जमाना पड़ेगा बैग, उसमें बेड में रखना है सारा सामान, सारे कल करेंगे अब। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।